इस वक्त आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और खबर आ रही है उन्नाव बलात्कार मामले की। पीड़िता को न्याय दिलाने गुरुवार को जबलपुर के सभी कलाकारों ने एक साथ रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और सरकार से पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। दरअसल पीड़िता के पक्ष में जबलपुर के रंगकर्मी, लेखक, कवि एवं तमाम सांस्कृतिक कलाकारों ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। कलाकारों ने उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने की सरकार से मांग की है। जबलपुर में कलाकारों ने यह प्रदर्शन मालवीय चौक में किया, जहां तकरीबन शाम 4 बजे कलाकारों ने मालवीय चौक से रैली निकाली और यह रैली करमचंद चौक, राजीव चौक होते हुए वापस मालवीय चौक पहुंची और रैली को समाप्त कर दिया गया। तो यह खबर जबलपुर से आ रही है, जहां उन्नाव पीड़िता के पक्ष में जबलपुर के सभी कलाकारों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जबलपुर के काफ़ी सांस्कृतिक संगठन इसमें शामिल हैं और हम सिर्फ एक ताकत देने के लिए उस पीड़िता के लिए खड़े हैं जो वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है। हमें नहीं पता वो बचेगी या नहीं बचेगी, परंतु ये हमारा कैसा लोकतंत्र है जहां पर उसके मामा, चाचा, मौसी, चाची सबको मार डाला गया है और वहाँ से सत्ता से, शासन से कोई एक उफ नहीं आवाज़ निकल रही कि ऐसा क्यों। और वो एक व्यक्ति जो विधायक है वो जेल में बैठकर उन सबको दिशा निर्देश दे रहा है और काम हो रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक किसी भी सत्ताधीश का किसी प्रकार का एक्टिव कोई प्लान हमको दिखाई नहीं दिया। ये शर्मनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। भारती शुक्ला। ये हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसमें जिसमें कि कलाकार, चित्रकार, रंगकर्मी, संगीतकार, लेखक, कवि, इस तरह के लोगों ने ये खुद महसूस किया कि हम सभी जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हम इस तरह की घटनाओं से बहुत उद्वेलित हैं, बहुत दुखी हैं। हमें ऐसा लगता है कि बावजूद उसके कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, तब भी ये कानून की हार है कि इतना लेट कानून ने एक्शन लिया जबकि उस परिवार का सब कुछ लुट चुका है।